आई लव यू ऑल, आप इतने सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, इतना मेरे को प्यार करते हो, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच इतने क्यूट क्यूट कमेंट्स करने के लिए। एंड मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स तो बिल्कुल कॉन्स्टेंट हैं एंड मैं उनको शाउट आउट देना चाहती हूँ, वो हमेशा अच्छे कमेंट्स करते हैं, मतलब हमेशा। फर्स्ट वन इज़ योगिता शर्मा, आई मीन शी ऑलवेज डू वेरी नाइस कमेंट्स ऑन माई चैनल, सो थैंक यू योगिता। एंड उसके बाद है एक आगमजोत कौर, सो थैंक यू सो मच आगमजोत कौर फॉर कमेंटिंग ऑन ऑल माई वीडियोज़, आई लव यू ऑल। एंड इसके अलावा चंचल व्लॉग्स, थैंक यू सो मच, आप भी इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करती हो मेरे वीडियोज़ पर, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ आप सभी लोगों के लिए। माई क्यूटीज़ वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल, आई होप यू पीपल आर डूइंग ग्रेट एंड परफेक्टली ऑल राइट, एंड वेलकम बैक टू येट अनदर पॉली वीडियो। नाउ आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्लिपकार्ट की स्कर्ट हॉल। नाउ कुछ टाइम पहले आई थिंक दिसंबर या जनवरी में मैंने अपने चैनल पे अपलोड करी थी मीशो की स्कर्ट हॉल, एंड उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था, एंड थैंक यू सो मच फॉर सच अ ग्रेट रिस्पॉन्स ऑन दैट वीडियो। एंड उसी को देखते हुए मैं आज आपके लिए एक और स्कर्ट हॉल लेके आई हूँ। नाउ व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन शॉपिंग एंड द क्वालिटी, आई ब्लाइंडली ट्रस्ट फ्लिपकार्ट, मतलब मुझे फ्लिपकार्ट पे इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट है। एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, इट इज़ नॉट लाइक कि मुझे फ्लिपकार्ट ने पैसे दिए एंड आई एम सेइंग ऑल दीज थिंग्स, आई एम शेयरिंग माय जेन्युइन रिव्यू। वरना आपको यू नो यूट्यूब पे अधिकतर वीडियोस जो मिलेंगे ना वो आपको वेबसाइट के स्पॉन्सर्ड वीडियो मिलेंगे, बट इन माई ऑन माई चैनल द रिव्यूज़ आर वेरी जेन्युइन एंड इट इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड वीडियो। सो मैं आपको बहुत जेन्युइन रिव्यू देने वाली हूँ इन सारी स्कर्ट्स का जो मैंने परचेज करी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लेट मी tell you all that my name is Anushka Sharma and I make videos related to beauty, lifestyle, makeup, hauls and skincare. Now my content revolves around plus size and I think my half of the squad is plus size. So aisa nahi hai ki main plus size related hi videos banati hu, but it's just that I keep my plus size squad also in mind while I'm purchasing stuff, because I think there are very less channel on YouTube that actually keep प्लस साइज पीपल इन देयर माइंड एंड देन डू हॉल। सो एक चीज़ मुझे ऐसी लगती है, मे बी मैं गलत हूँ इस चीज़ में, हो सकता है। सो या आपको इस हॉल में जितनी भी स्कर्ट मिलेगी वो आपको स्मॉल साइज़ में भी अवेलेबल मिल जाएगी एंड आपको 3XL, 5XL, 6XL तक भी अवेलेबल मिल जाएगी, तो साइज़ का जो इशू है वो आप लोगों को नहीं आने वाला है। एंड या इफ़ यू आर समवन न्यू ऑन माई चैनल सीइंग दिस फेस फॉर द फर्स्ट टाइम, देन या डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। स्कर्ट जो मैंने ऑर्डर की है ना वो ये डेनिम स्कर्ट है एंड आई डोंट नो कि ये मुझे कितने अच्छे से फिट आएगी, मतलब मैं बहुत स्केप्टिकल हूँ इसके लिए, क्योंकि साइज़ तो मैंने इसमें सही ऑर्डर किया था, बट लेट्स सी। सो द स्कर्ट, इसका स्कर्ट का जो पिक्चर है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो एंड द स्कर्ट लुक समथिंग लाइक दिस। नाउ अगेन आई एम वेरी वेरी स्केप्टिकल नाउ कि मुझे फिट आएगी कि नहीं, क्योंकि आप देख सकते हो इसका कमर का साइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटा है, मुझे लग रहा था पता है जब मैं ले रही थी, बट कोई ना। तो अगर आपको इसमें साइज़ मिल जाता है अपना तो प्लीज़ इसे बाय करना, क्योंकि अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूँ इट हैज़ अ सुपर्ब क्वालिटी, मतलब रियली रियली अप्रिशिएबल क्वालिटी है इसकी, बहुत अच्छी लगी मुझे। एंड इसके अलावा ना इसमें बड़े साइज़ भी अवेलेबल थे, मतलब मैंने ऑर्डर किया था XXL लेकिन इसमें साइज़ अवेलेबल थे 4XL, 5XL तक, तो है ना साइज़ का कोई भी मतलब आपको इशू नहीं आने वाला। वो तो मुझसे गलती हो गई कि मैंने ना साइज़ स्टार्ट में एक बार इसका वेस्ट का साइज़ नहीं देखा, तो हियर आई एम रॉन्ग, फ्लिपकार्ट की कोई गलती नहीं है, बट द क्वालिटी इज़ वेरी नाइस। एंड आपको यहाँ पे ना इस तरीके की प्रिंट मिलती है एंड एक बटन मिलता है, एंड अगर आप चाहो तो आपको पास अगर कोई अच्छी सी बेल्ट है तो वो आप बेल्ट यहाँ पे लगा भी सकते हो। नाउ पेयरिंग की अगर मैं बात करूँ ना तो ये तो मल्टीपर्पज़ है, मतलब आप इसे किसी भी चीज़ के साथ पेयरअप कर सकते हो, किसी भी कलर के टॉप वगैरह के साथ। एंड आपको पीछे इस तरीके से दो पॉकेट्स मिलती हैं एंड फ्रंट में भी दो पॉकेट मिलती हैं एंड एक कॉइन पॉकेट मिलती है यहाँ पे। नाउ पीछे से आगे से इसमें एक स्लिट भी है, यहाँ से आप देख सकते हो कट भी है, तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो इस स्कर्ट को पहनने में तो व्हाट यू गाइस कैन डू, यू कैन वियर स्टॉकिंग्स अंडर देम, ताकि ना आपको अनकंफर्टेबल भी नहीं लगे एंड आपका जो स्कर्ट पहनने का जो एक शौक है वो भी पूरा हो जाए। तो आप स्टॉकिंग ले सकते हो ब्लैक कलर की या स्किन कलर की। टेल यू ऑल के मैंने ये जो स्कर्ट्स है ना ये अभी ओपन नहीं करी थी, जस्ट इनका बाहर की जो पैकेजिंग थी ना फ्लिपकार्ट की वो मैंने रिमूव कर ली थी, लेकिन आपके साथ इसी वीडियो में मैं भी
इनकी क्वालिटी वगैरह सब कुछ देखने वाली हूँ, मैंने अलग से नहीं देखा था। सो आई एम गोइंग टू ओपन द फर्स्ट स्कर्ट दैट आई हैव इज दिस वन, एंड इसका जो पिक्चर है ना, यू पीपल कैन सी ऑन द स्क्रीन नाउ, दिस इज़ अ रियली वेरी ब्यूटिफुल फ्लोरल प्रिंट ड्रेस। नाउ पर्सनली व्हेन इट कम्स टू फ्लोरल प्रिंट, आई एम समवन हु इज़ बिग फैन ऑफ दिस प्रिंट, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है फ्लोरल प्रिंट। सो दिस स्कर्ट लुक समथिंग लाइक दिस, एंड यू गाइज कैन सी हाउ ब्यूटिफुल इट इज़। नाउ लेट मी टेल यू कि ये शिफॉन का कपड़ा है, आपको ईजिली समझ में आ रहा होगा, इट्स शिफॉन एंड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल स्कर्ट गाइज, वेरी ब्यूटिफुल, मतलब ये आपके ना नीज तक ईजिली आएगी। एंड आप इसे एक ब्लैक टी शर्ट के साथ पेयरअप कर सकते हो, मतलब ऊपर आप ब्लैक टी शर्ट पहन लीजिए जो नॉर्मल टी शर्ट आती है, एंड देन नीचे आप इसे पहन लीजिए, बहुत ही प्रिटी लुक आएगा विथ ब्लैक हील्स और विथ वाइट स्नीकर्स भी अच्छी लगेगी, या ब्लैक स्नीकर्स, दैट्स टोटली अप टू यू, बट बहुत ही प्रिटी स्कर्ट है। आप देख सकते हो इसकी जो इलास्टिक है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, अच्छी खासी, मतलब इलास्टिक स्ट्रेच हो रही है। सो इवन इफ़ यू आर बिग इन साइज ना, तो कोई भी इशू नहीं है, आप जैसे हो वैसे बहुत अच्छे हो, एंड आपको ये स्कर्ट ईजिली आएगी। आप देख सकते हो मैंने जो इसमें साइज़ ऑर्डर किया था वो था XXL, तो मुझे अच्छे से आ गई, मतलब अभी भी ऐसा लग रहा है हल्की सी लूज है, बट दैट्स फाइन। नाउ अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक बेल्ट वगैरह भी टाई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। सो इट्स अ रियली वेरी ब्यूटिफुल स्कर्ट। सो माई बेबी इज द नेक्स्ट स्कर्ट दैट आई हैव इज दिस वन इन पर्पल कलर। नाउ दोज ऑफ यू डोंट नो, आई लव पर्पल लाइक एनीथिंग, पर्पल मुझे बहुत पसंद है, आई डोंट नो वाई, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, एंड ये पर्पल का एक टोन है। नाउ यू गाइज कैन सी हाउ मच ब्यूटिफुल दिस स्कर्ट इज, मतलब इफ आई वुड से ना, वन ऑफ माई बेस्ट स्कर्ट दैट आई लव फ्रॉम दिस हॉल इज दिस वन, आई मीन दिस वन, मतलब बहुत ही अच्छी लगी मुझे ये। आई नो पहले भी जो मैंने दिखाई वो भी बहुत सुंदर है ऑफकोर्स, बट इट जस्ट अबाउट द चॉइसेस कि किसकी कैसी चॉइस होती है। नाउ अकॉर्डिंग टू माई चॉइस आई लव दिस वन, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगी यार, कलर बहुत प्यारा है, एंड द ओनली थिंग आई परचेज द स्कर्ट ना, इट इज़ बिकॉज ऑफ इट्स कलर, मतलब कलर मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो भाई मुझे बहुत अच्छे से फिट आएगी ये, मुझे कोई इशू नहीं आने वाला, बहुत कंफर्टेबल रहेगी आई एम डेफिनेटली श्योर। एंड ये ना पूरी एक ए लाइन स्कर्ट है, तो यू गाइस कैन सी इस तरीके का इसका पूरा पैटर्न है, लंबी सी स्कर्ट है, एंड नीचे साइड पर ना आपको एक बहुत ही अच्छा सा कर्व्ड पैटर्न मिलता है इसमें, आप देख सकते हो ना ये कर्व्स आपको दिख रहे होंगे, तो ये पहनने पे ना ऐसे आके हल्की सी ऐसी होती है, तो बहुत प्रिटी लगती है, ट्राई ऑन में आप देख ही रहे हो। मुझे पर्सनली ये स्कर्ट बहुत अच्छी लगी गाइस, बहुत ज़्यादा अच्छी, मतलब आई लव दिस वन। एंड अगेन मैं आपको बोलूँगी कि कोई भी स्कर्ट हो, नीचे शॉर्ट्स पहनना इज़ मैंडेटरी, सो डू नॉट फॉरगेट टू बाय अ शॉर्ट्स इफ़ यू डोंट हैव, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है, एंड इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल। सो गाइज अगेन मैंने जो नेक्स्ट स्कर्ट मंगवाई है वो ये वाली है, एंड इसकी भी पैकेजिंग मैंने जस्ट अभी ओपन की है। नाउ दिस स्कर्ट लुक समथिंग लाइक दिस, इस पर आपको इस तरीके की प्रिंट मिलती है, एनिमल प्रिंट, बहुत ही सुंदर। एंड अगर मैं इसके मटेरियल की बात करूँ ना, तो इसका जो मटेरियल है स्कर्ट का वो रेयन का मटेरियल है, एंड इट विल बी वेरी कम्फर्टेबल। ऑल दो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इसमें जो भी आपका ओरिजिनल साइज है, मतलब इफ़ यू आर समवन हु वेयर डबल एक्सेल, तो आई विल रिकमेंड यू टू गो फॉर 3XL और 4XL, या फिर आप ऐसे साइज स्टार्ट में जा सकते हो, एंड साइज स्टार्ट में भी साइज़ के हिसाब से अपना जो वेस्ट का साइज़ है वो आप देख सकते हो। सो इस तरीके से आपको हेल्प हो जाएगी। एंड अगर मैं इसके पैटर्न की बात करूँ, तो इट्स अ प्योर स्ट्रेट स्कर्ट, एंड आपको नीचे एंड में इस तरीके के रफल्स मिलते हैं। नाउ आई डोंट नो आपको इसमें रफल्स विजिबल हैं कि नहीं, इस तरीके के आपको इसमें एंड में रफ़ल्स मिलते हैं, एंड आप ट्राई ऑन में भी देख सकते हो किस तरीके के रफ़ल्स है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर एक स्कर्ट है। एंड आप ना इसे ब्लैक टॉप के साथ, या फिर क्रीम कलर के टॉप के साथ, या फिर वाइट टॉप के साथ पेयरअप कर सकते हो, बहुत सुंदर लगेगी गाइस, ट्रस्ट मी बहुत सुंदर लगेगी। मतलब मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि मुझे ये जो स्कर्ट है ये इतनी ब्यूटीफुल मिलेगी, बट इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, मतलब आप देख सकते हो रफ़ल्स भी कितने प्यारे हैं एंड में, एंड अच्छी एंड बहुत ही अच्छी स्कर्ट है। अगर मैं इलास्टिक की बात करूँ तो इट्स स्ट्रेचेबल, तो आपकी अगर इतनी भी वेस्ट है ना तो भी आपको ये इजीली आएगा। द क्वालिटी इज सुपर, मतलब क्वालिटी के साथ फ्लिपकार्ट कभी भी एडजस्टमेंट नहीं करता है, एंड दिस इज़ द वन थिंग आई लव फ्लिपकार्ट। नेक्स्ट स्कर्ट जो मेरे पास है वो ये वाला है इन इन पीच कलर, या दिस इज़ पीच, तो ये खुलेगा कहाँ से, वेट अ मिनट,
सो द नेक्स्ट स्कर्ट दैट आई हैव इज़ दिस वन, एंड ये बहुत ही प्रिटी सी स्कर्ट है। एंड अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूँ ना, तो ये आपकी नीज तक आएगी, मतलब नीज तक ये आपको ईजिली आएगी। एंड ये जो स्कर्ट है ना, ये हल्की सी हैवी है, बिकॉज इसके अंदर जो फ्रील है ना वो बहुत ही ज़्यादा है, तो उसके कारण ये हल्की सी हैवी लगती है। एंड पहनने पे भी ना आपको फील होगा कि आपने मतलब कुछ पहना है हल्का सा हैवी सा। क्वालिटी इज सुपर्ब। एंड अगर मैं इलास्टिक की बात करूँ, तो यू गाइस कैन सी इतना लंबा आपको ये आ जाएगा। एंड इसमें आपको 5XL तक साइजेस मिल जाएंगे। मैंने तो इसमें XXL साइज ऑर्डर किया है अपने लिए, बट ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचेबल है, तो नीड नॉट टू वरी, आपको ईजिली सारी स्कर्ट आएंगी, सारी की सारी। बस अगर डेनिम स्कर्ट लो ना, तो मैं सजेस्ट करूँगी अच्छा सोच समझ के लेना साइज चार्ट देख के, क्योंकि डेनिम का क्या होता है कि डेनिम स्ट्रेचेबल नहीं होता है। एंड दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल स्कर्ट, मतलब है ना, आपको जो मैंने पहले जो पर्पल दिखाई थी ना, वो पर्पल और ये आपको सेम लग सकती है, बट एक्चुअली इट्स नॉट सेम। पर्पल जो है ना, वो लेंथ में थोड़ी लंबी है थोड़ी सी, एंड ये उससे थोड़ी छोटी है। है ना, किसी लाइट कलर के टॉप के साथ ही पैरअप करना, वाइट या फिर ब्लैक के साथ भी कर सकते हो, बट ब्लैक ना थोड़ा सा डार्क में हो जाएगा। वाइट या फिर पीच कलर या बेबी पिंक, इस तरीके के टॉप के साथ इसे पैरअप करना। अंदर आपको नो डाउट अस्तर मिलता है, सो इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एंड एलीट स्कर्ट, विच आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू गाइज टू गो फॉर। बहुत ही प्रिटी है ये। सो गाइज, द नेक्स्ट स्कर्ट दैट आई हैव इज़ दिस वन। नाउ ये वाली एंड इसके पहले जो मैंने आपको एक डेनिम ड्रेस स्कर्ट दिखाई थी ना, ये वाली आपको सिमिलर लग सकती है, राइट? यू पीपल मस्ट बी थिंकिंग कि अरे ये तो सेम है, बट इट्स नॉट सेम। ये वाली कम्प्लीटली डिफरेंट स्कर्ट है, बस हाँ उसका जो पैटर्न है ना एम्ब्रॉयडरी का, वो सिमिलर है। नाउ अगर मैं इस स्कर्ट की लेंथ की बात करूँ, तो ये आपकी फुल लेंथ स्कर्ट है, मतलब ये आपके नीज के नीचे तक जाएगी, एंड बहुत ही ज़्यादा सुंदर स्कर्ट है। आपको नीचे तक इसमें इस तरीके के बटन्स मिलते हैं, एंड देन आपको नीचे साइड पर ऐसा कट मिलता है। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल स्कर्ट गाइज, एंड सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्ट्रेचेबल है, तो ये आपको ईजिली फिट आएगी। लेकिन स्टिल आई एम टेलिंग यू, अगर आप डेनिम स्कर्ट ले रहे हो, तो जो भी आपका ओरिजिनल साइज है उससे बड़ा लेना, ताकि आपको अच्छे से फिट आए वो। एंड ये जो थी, इनकी प्राइजेस कम थी डेनिम ड्रेसेस की काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये मैंने 500 या 600 में ही परचेस कर ली थी। अदरवाइज डेनिम स्कर्ट्स की जो प्राइस होती है वो आपको पता होती है कितनी ज़्यादा होती है। सो इस तरीके की ये हैं, एंड पैटर्न इसका बहुत ही ब्यूटीफुल है। आई विल सजेस्ट यू टू पेयर इट विद अ वाइट टॉप, एंड बहुत प्रिटी लगेगी, या फिर एक ब्लैक टॉप के साथ। एंड अच्छी है, क्वालिटी इज़ सुपर, मतलब मुझे क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। फ्लिपकार्ट क्वालिटी के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। हे माय बेबीज, सो आई होप आपको आज की ये सॉरी ऑस्कर भूक रहा है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। सो हे माय बेबीज, आई होप आपको मेरी आज की ये स्कर्ट हॉल अच्छी लगी होगी। अगर आपको आगे कोई भी और हॉल देखनी है ना, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू आर समवन न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड डू वॉच माई अदर वीडियोज़ एज वेल। आई एम डेफिनेटली श्योर दैट यू विल फाइंड सम वैल्यू इन माई वीडियोज़। सो या, अंटिल देन, बाय बाय।